दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में। चिलचिलाती गर्मी और रमजान में रूह अफजा मार्केट से गायब हो गया है। इससे आम लोगों के साथ रोजेदारों के लिए ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई है। कई सालों से इफ्तारी का हिस्सा रहा रूह अफजा पूरे दिन रोजा रखने के बाद इफ्तार के समय गला तर करने के साथ एनर्जी से लबरेज कर देता है। इस बार यह बाजार से गायब है। अब इसके पीछे कारण चाहे जो हो, पर यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे शरबत जिन्हें आप रूह अफजा की जगह इफ्तारी के समय पी सकते हैं। ये शरबत आपको पूरे दिन की थकान मिटाने के साथ ताजगी लाने का काम करेंगे। इन दिनों बढ़ जाती है मांग, गर्मी चरम पर है और रमजान भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच बाजार में रूह अफजा की कमी हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। गर्मी में जहां रूह अफजा की डिमांड बढ़ती है, वही रमजान में इसकी काफी डिमांड रहती है। हालांकि भारत में रूह अफजा की कमी को देखते हुए पाकिस्तानी कंपनी हमदर्द ने भारत में आपूर्ति करने की पेशकश की है। तरबूज का शरबत, अपने ठंडे गुणों के कारण गर्मियों में तरबूज खाने की सलाह दी जाती है। इसमें मौजूद भरपूर पानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। गर्मियों में तरबूज का शरबत पीना भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। खास तौर से जो लोग रोजे रख रहे हैं, वे शाम को इफ्तारी में तरबूज के शरबत से गला तर कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में तरबूज का शरबत शीतलता और ताजगी प्रदान करता है। आम पन्ना, गर्मी के दिनों में इसका रोजाना इस्तेमाल पेट की समस्या से दूर रखेगा और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में भी सहायक होगा। यह एक बढ़िया पाचक पेय है। विटामिन सी से भरपूर होने के कारण यह आपकी प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से आपकी रक्षा करता है। लू से बचाने के लिए यह टॉनिक की तरह काम करता है। साथ ही पसीने में शरीर से निकलने वाले सोडियम और जिंक का स्तर भी कम रखता है। खस का शरबत, गर्मियों के मौसम में हाइड्रेटेड रहने के लिए और इफ्तारी के वक्त ताजगी पाने के लिए खस का शरबत का सेवन भी कर सकते हैं। खस एक सुगंधित घास होती है। इसकी ठंडी तासीर की वजह से गर्मियों में खस का शरबत बनाया जाता है। यह शरबत पीने से प्यास बुझती है, शरीर की जलन मिटती है, दिमाग और शरीर में तरावट आती है व गर्मियों में होने वाले हीट स्ट्रोक दूर रहता है। खस के शरबत को पीने से शरीर हमेशा हाइड्रेटेड रहेगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन।